ललित मैथ्स के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं रोशन प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, आज हम ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए एक ट्रिक लेके आए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग एक सेकेंड में निकाल सकते हैं। एक सेकेंड का मतलब देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहे, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, कॉस थीटा बराबर निकालना हो तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 24/26, 12 2 24 26, 12/13। एक सेकेंड लगा, ठीक है। देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये है, इसमें भी कह रहा है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। इसका भी डायरेक्ट निकाल देंगे कि ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन। कितना टाइम लगा? एक सेकंड लगा होगा, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड लगा है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताएंगे और डायरेक्ट आप कंपटीशन है, जितना कम समय में आप बना लीजिएगा उतना अच्छा रहता है। जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, तो sin थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा का मान क्या होगा? इसका भी यही होगा, पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन। अगर इसके जगह पर अगर हमें वैल्यू पुट करने के लिए कह दे 5 रहे, तो डायरेक्ट हम इसके पी स्क्वायर की जगह पर हम 5 पुट करेंगे और इसके जगह पर 5 और प्लस 1, तो ये हो गया 25 माइनस 1 24, और ये हो गया 26 12/13। इस सब के सवाल के लिए हमको 5 सेकेंड बहुत हो गया, 5 सेकेंड बहुत हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम जब भी निकालेंगे बहुत आसान तरीके से, लेकिन आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जब cos थीटा प्लस cot थीटा का टर्म होगा, अगर cos थीटा निकालने के लिए कहे, तो हम ये ए स्क्वायर माइनस वन और बाई ए स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला पुट करेंगे, और sec थीटा प्लस tan थीटा का कुछ वैल्यू पी दिया हुआ है, और यहाँ cos थीटा नहीं sin थीटा पूछे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहीं पे हमें cos थीटा बराबर पूछ दे, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2p/p² + 1, ठीक है। अगर यहीं पे सवाल ले लेते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है, तो cos थीटा का मान निकाल, तो cos थीटा के लिए हमने बताया है कि 2p/p² + 1, यहाँ 5 है तो डायरेक्ट हम p के जगह पर 5 पुट करेंगे, 2 × 5 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 × 2 = 10, और ये 50 25 26, 2 × 5 = 10, और ये 13 × 2 = 26, तो 5/13। इस टाइप का सवाल हम 5 सेकेंड में बना सकते हैं। और ये तीसरा सवाल बना लिए, और ये चौथा सवाल हम आपको बताते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 कैसे होता है। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, इस टाइप का जब क्वेश्चन आया उसमें थीटा पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, जो कुछ नहीं करना है, आँख मुन के इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम तोड़ लेंगे, तो a² + b² + 2 sin थीटा into cos थीटा बराबर ये √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 + 2 sin थीटा into cos थीटा बराबर 2, ये एक इधर चल जाएगा तो बच जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा बराबर 1, ये एक इधर घट जाएगा, 2 - 1 = 1 हो गया। अब देखिए, इसमें अगर एंगल की बात करें तो ये फार्मूला जो है 2 sin थीटा into cos थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, तो इसके जगह पर हम sin 2 थीटा बराबर 1 रख दिया। अब बताइए कि एक जो है sin कितना डिग्री का मान होता है, तो sin 2 थीटा sin 90 डिग्री का मान होता है, ये साइन साइन कैंसिल आउट, 2 थीटा बराबर 90, तो 2 से 45 मरतबा कट गया, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर इसी में जैसे ये दिया गया 2 sin थीटा into cos थीटा, यहाँ हम थीटा बोलने निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला पुट कर दिए, अगर हमें सवाल ये दिया गया है sin थीटा + cos थीटा बराबर √2, और थीटा के जगह हमें कहे 4 sin थीटा into cos थीटा निकाले, तो इसमें क्या है, यहाँ तक आएंगे, यहाँ के बराबर इतना आया तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, देखिए 2 sin थीटा into cos थीटा बराबर 1 आ गया, तो हमें कह रहा है
हमें कह रहा है कि 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम 4 बना लेंगे। तो 4 बनाने के लिए इधर हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2, इसका मतलब 4 साइन थीटा बराबर 2। इस टाइप का ट्रिकी सवाल और लाएंगे, बना रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट।